सरकार बदली, जनप्रतिनिधि बदले, अधिकारी भी बदले, लेकिन आज भी गांव की तस्वीरें नहीं बदली। कई ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ताजा मामला उमरिया जिले के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत तिमिनी से सामने आया है, जहां कारीगर टोला में लोग सरकार की महती योजनाओं से वंचित हैं। यहां के रहवासियों ने बताया कि उन्हें पेयजल आपूर्ति के लिए लंबा सफर करना पड़ता है। ऐसे में वो गांव से लगे नदी का दूषित पानी दैनिक दिनचर्या में उपयोग करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती से लगे दूसरे मोहल्ले में हैंडपंप लगा है, जहां से पीने के लिए पानी लाया जाता है। साथ ही सड़क की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो आवास योजना का लाभ मिला। कारीगर बस्ती के लोगों ने बताया कि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों और अफसरों से भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस संबंध में सीईओ दीक्षा जैन से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जल्द से समस्या समाधान करने की बात कही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने भी इस मामले में बहुत परेशानी जाता है, खराब पानी भी पीते हैं सर। आवास योजना का लाभ क्या कितने लोगों को मिला? नहीं मिला है, 15-20 आदमियों को मिला है, बाकी इसमें जनप्रतिनिधि वगैरह ध्यान नहीं देते? नहीं देते सर कोई। इसकी शिकायत वगैरह आप लोग करते हैं? करते हैं, शिकायतों भी नहीं ध्यान देते, पता नहीं वो कागज कहाँ रुक जाता है कहाँ नहीं है। ना यही तरफ है हमारे मोहल्ला में मिल है, नहीं आए। कितने दूरी पड़ता है यहाँ से? कम से कम नगद दूर है, वहाँ से पानी लाना था। यही मोहल्ला में लेकिन यह मोहल्ला में हम ही पानी की बड़ी समस्या है। कोई आता है यहाँ देखने समस्या आप लोगों की? अब नया आवत हुई तब तो नहीं आए, आते तो खुद टंकी गड़ाते ना। आज ये मोहल्ला में कौन में समस्या है कहते हैं? पानी में बहुत समस्या जाती है, क्योंकि रात हो जाती है तो दूर नहीं जा पाते हैं, नदी के लाते हैं, और बच्चे वगैरह भी नदी में रहते हैं, नहाते हैं, और गंदे भी पानी है। तो शासन की तरफ से यहाँ कोई देखने आता है? कोई देखने नहीं आता है। क्या मांग करते हैं? हम पानी की वजह से बहुत मांग करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, बहुत परेशानी है इधर। पंप दूर है तो हो सकता है कि वहाँ पर उस स्थान पर भूजल स्तर बहुत कम हो, हैंडपंप वहाँ पर सफल ना हो पाते हों। इस बात का भी परीक्षण करने के लिए बोलूँगा EPHC को कि उस स्थान पर देखें कि किसी और व्यवस्था से पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया कि तिमनी पंचायत के कारीगर टोला में मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम गरीब किसान की सरकार है, और वह उन्हें मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा संबंधित विभाग और कलेक्टर महोदय को जानकारी देते हुए सामूहिक रूप से प्रयास किया जाएगा कि निश्चित ही वहां सड़क बने, पेयजल की व्यवस्था हो और तुरंत हैंडपंप की व्यवस्था हो। हैंडपंप की व्यवस्था चाहे PHE विभाग के माध्यम से हो, चाहे कलेक्टर महोदय के माध्यम से हो, अतिशीघ्र की जाएगी।